के मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, बाल बच्चे में मर जाएंगे, हम मर जाएंगे सब, हमारे बाल बच्चे वो भी मर जाएंगे, हम मर जाएंगे सब, हम सर आपके मर जाएंगे सब, हमको घर जाने के घर जाने तो सब अब घर बस बाहर मिल जाएगी तो पैदल जाएंगे, नहीं तो कोई बाहर मिलेगा तब चले जाएंगे, तो फिर पैदल चले जाएंगे। जब बच्चे छोटे छोटे घर पे छोड़े आते थे, भूकन मार रहे थे, तो क्या करेंगे परिवार। मान लीजिए कि अपने गाड़ी बंद किए हैं, वो सब अलग बात है, जाने में तो देते हैं ये लोग जो है वो उस पर तो भरोसा कर रहे हैं। मान लीजिए गाड़ी थी, पहले गाड़ी पे भरोसा कर रहे थे, अब तो अपने पैरों पे भरोसा कर रहे हैं। क्या दिक्कत है, यहीं मर जाएंगे और कुछ नहीं करना है सर जी। बस मजदूर जो है इधर से उधर हो रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, तो उनको आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। वो जहाँ पे हैं उन्हें वहाँ पे भोजन नहीं मिल रहा, या व्यवस्था जो जरूरी चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही। घर में मम्मी तबीयत खराब है और भाई भी सब रो रहा है, तू क्यों कब आएगा, बोले चिंता मत कर, जैसे होगा वैसे जाएंगे। इसीलिए हम लोग चल दिए पैदल, बोले निकलो तुम लोग पैदल, जो होगा रास्ते में देखा जाएगा, इसलिए हम लोग पैदल चल दिए वहाँ से। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण काशी है। अभी जो ये समस्या पैदा हुई कोरोना महामारी, इसके दौरान जो है, इस परिस्थिति के दौरान जो और तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं या शुरू हो गई हैं, जैसे कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही, तमाम तरह की उससे और ज़्यादा समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि लोगों को खाने के लिए नहीं है, लोगों को बाकी बीमारियां अगर हो रही हैं तो उनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर भैया, बाहर फिर से भरे तो यहाँ पे बहुत सारे वो ठिकाने बनाए हुए जहाँ पे आप रुक सकते हो, राज खा सकते हो, खाना खा सकते हो। तो ठिकाने बताए या फिर खाना दे तो हम लोग रुक सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठिकाने भी तो क्या बोल रहे हैं, जहाँ है वहाँ जाओ, कैसे जाएं? और आप बता रहे हैं कि ठिकाने हैं, किधर ठिकाने हैं आप ही बता दीजिए। पूरी दुनिया में ये समस्या है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही है, और सब लोग परेशान हैं। जब तक इसका कोई बड़ा इलाज नहीं आ जाता, वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी समस्या भुखमरी की हो जाएगी अगर लोग जो है, लोगों को खाने को नहीं होगा और लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं होंगे। पैदल तो नहीं जाना चाहिए सर, अब क्या करेंगे, कुछ चल नहीं रहा सर, हम क्या कर सकते हैं, किसी तरह करवा दीजिए सर हम लोग को। सर जी हम कहीं को जाने दे, मेरे को गर्म है, बच्चा वहाँ तलब रहे सब, हम यहाँ मर जाएंगे सब, हमारे बाल बच्चे नहीं देख पाएंगे हमको, सर हमारी व्यवस्था कर दो सर, हमें तो मेरे बच्चे बहुत रो रहे हैं, बहुत मजबूरी में साहब हम लोग। ये सवाल यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं कि भीड़ इकट्ठा करना या ताकत प्रदर्शन करना, ये मकसद नहीं है। हमारा जो मकसद है वो थे कि एक निवेदन जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक, हमारे राज्य के मुखिया जो अरविंद केजरीवाल हैं उन तक, और भी तमाम राज्यों के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन तक ये बात पहुँचे कि अगर आप लोग जो है समय रहते, हम जो गरीब कमज़ोर और तमाम जो परेशान लोग हैं उनका ध्यान नहीं करेंगे तो लोग सड़कों पर आने को मजबूर होंगे। तो ये अनशन है, ये एक सत्याग्रह है, ये किसी को, किसी व्यवस्था को परेशान करने के लिए, व्यवस्था को रोकने के लिए करने की कवायद नहीं है। इसलिए हम ये आंधी तूफान में भी यहाँ पे आसमान के नीचे बैठे हुए, क्योंकि हमारी तरह लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग जो है इधर से उधर सड़कों पे विवश हैं खड़ा होने के लिए। ये कोई हम अकेले नहीं है, ऐसा कि आज इसी आंधी में बहुत सारे लोग अपने घरों में होंगे, लेकिन अधिक लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे इधर से उधर जाने को मजबूर हैं। हाँ, तूफान तो आना ही है। मैं यहाँ पे अव्यवस्था पैदा करने के लिए नहीं है, इसीलिए हम भूख हड़ताल जो कर रहे हैं,
या जो ये अनशन है। इस वक्त हम बहुत तेज बाहर आंधी तूफान आ रहा है और हम इस वक्त कुछ लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन सलाम करना पड़ेगा प्रवीण काशी की हिम्मत को कि वो अभी भी बाहर इस तूफान में हंसते मुस्कुराते हुए उस जंग से लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल तो क्यों आए इतनी बारिश में इतने तूफान में इनका साथ देने क्यों आए आप? देखिए अच्छे लोगों के लिए तो हम लोग हमेशा ही रेडी रहते हैं। जैसे कि प्रवीण जी की हमें पता लगी, प्रवीण काशी जी की, इन्होंने तिरंगा आंदोलन चलाया है। तिरंगा आंदोलन में इन्होंने तीन मांगे गवर्नमेंट से रखी हैं और तीनों मांगे पब्लिक के लिए हैं। ये अपने लिए क्या कर रहे हैं यार, हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो इस घड़ी में और इस कोरोना संकट की घड़ी में हमें प्रवीण जी का साथ देना चाहिए इस दौरान। तो मैं अभी भी आप जैसे देख रहे हैं कि इतनी बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, फिर भी प्रवीण जी लगे पड़े हैं और जब तक ये आंदोलन में है हम इनका सहयोग फुल जी जान से लगे हुए हैं इनके साथ। प्रवीण काशी जो अनशन पर बैठे हैं तो क्यों सब समर्थन कर रहे हैं अपन का? जी अच्छे सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, ये लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम इनका समर्थन कर रहे हैं और जब तक ये बैठेंगे उनका समर्थन करेंगे। सच्चाई का साथ देने हम लोग आए हैं यहाँ पर। प्रवीण काशी जी जो हैं हमारे बहुत ही नज़दीकी और करीबी हैं, और दूसरी बात ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आज हिंदू मुस्लिम का मामला बन गया है ये दूर होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, जो गरीब मर रहे हैं उनके लिए अनशन है, जो परेशान है उनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, रेल के नीचे कट रहे हैं, पैदल घर जा रहे हैं, ये सब मामले हैं अपने, इनको सरकार देखे, करीब से देखे। और हमारा कहना यह भी है कि प्रवीण काशी जी का अनशन नहीं है, हम सब का अनशन है। आज प्रवीण काशी जी हैं, कल हम सब लोग बैठेंगे। देखिए जो बारिश हो रही या तूफान आ रहा, मेरा ये कहना है कि जो हम सत्याग्रह कर रहे हैं कुछ बातों को लेके, और मैं फिर से दोबारा इस बात को कहना चाहूँगा कि हम किसी को, किसी सरकार, किसी राजनीतिक दल या किसी को अपमानित करने के लिए ये उपवास अनशन नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो लाखों लोग जो सड़क पे हैं, जिन जो बेदखल हो गए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, पेट में रोटी नहीं है, ये बात उनकी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए है। कुछ लोगों के पास बड़ी पूंजी है, वो कई साल खा सकते हैं, कई सालों तक वो ठीक से रह सकते हैं, लेकिन जो लोग रोज़ खाते कमाते हैं ये उनका सवाल है कि उनको कैसे, मतलब जो बिना छतों के हैं अभी भी सड़कों पे हैं, ट्रेन के नीचे कट गए, तो ये कोई विरोध उस तरह का नहीं कि हम आपको जो है नीचा दिखाना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है थोड़ी हिम्मत जो है जुटाना है सरकार को, सभी राज्य सरकार के मुखियों को, मुखिया जो हैं, केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं, सबको मिल के जो है इसको करने के लिए अगर सही समय पे नहीं शुरू करेंगे जो ज़रूरतें हैं, तो हम सत्याग्रह से भी आगे जाने को मजबूर होंगे, क्योंकि पेट की आग जो है उसको बहुत देर तक थामा नहीं जा सकता। ये जो सवाल हैं, ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, ये कोई प्रवीण काशी मेरी अकेले की बात नहीं है, ये मेरे जैसे गुमनाम, मैं गुमनाम व्यक्ति हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोग नहीं जानते, वो मजबूर है आने के लिए यहाँ गांधी जी की समाधि स्थल पे, वो ये एक आवाज़ है, वो ये आवाज़ कह रही है कि आप जो 130 करोड़ लोगों का ख्याल करें, सबको जो है, जिनके जो बेघर हैं, जो मजदूर हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, महिलाएं हैं, उनकी अपनी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, उनको अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, किसान हैं, उनको एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, तो इसमें सरकार अभी जो कदम उठाई हुई है वो कदम पर्याप्त नहीं है। हमारा ये कहना है कहीं ना कहीं ऐसा अभी इस आपदा के दौरान भी ये समझ में आ रहा है कि कभी धार्मिक उन्माद की बात करी जा रही, कभी एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल की बात कर रहा है कि हम कर रहे वो नहीं कर रहे, अभी तक जो जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी एकजुटता नहीं दिखी।
जिनको एकजुट होना चाहिए था इस आपदा के समय में, जिनकी जिम्मेदारी थी बड़ी, वो लोग नहीं दिखे, कहीं भी नहीं दिख रहे मजबूती से। सड़कों पे लोग दिख रहे, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे। तो ये सत्याग्रह है, ये महात्मा गांधी का दिखाया हुआ रास्ता है। इसके लिए हम बैठे हुए कि शायद जो है दिल पसीज जाएगा। हमारा तो ये अनशन है, मैं भूख हड़ताल पे हूँ और ये अनिश्चितकालीन है, ये आमरण अनशन है। अगर ये मेरे जैसे, मैं ये भूख हड़ताल इसलिए नहीं है कि कोई फैशन में हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, लोगों को लगेगा कि ये यहाँ पे बैठ के अपना नाम बनाने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये भूख, लाखों लोग जो भूखे सड़कों पर सो रहे हैं उनको ये वो बताने के लिए कि लाखों लोग भूख हड़ताल पर ही हैं, वो कहीं कोई बैनर लगा के किसी राजघाट पर नहीं है, कहीं नहीं है। तो ये जो लोग हैं, करोड़ों लोग जो कि दर दर भटक रहे, उनकी बात को बताने के लिए है। दरअसल किसी भी लोकतांत्रिक प्रजातंत्र देश की खूबसूरती उसकी जनता की ये जागृत अवस्था से है कि कोई भी सरकार है, अगर उसको अच्छे काज के लिए आईना दिखाना, उसमें सहभागीदारी करते हुए प्रवीण भाई ये एक उन तमाम लोगों की जो आज इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं इस महामारी के समय में, जिस जिस तरह से आवाजाही में बहुत सारी दिक्कतें समस्याएं, एक संवेदना का सवाल है। उस शिष्टाचार को अपने जागरूक एक एक्टिविज्म की एक खूबसूरती है, तो उसी को बरकरार रखते हुए शायद ये संजीदगी से ये आवाज़ सरकार जरूर तक जाएगी। सर एक हमारे साथी हैं ये परवीन काशी जी, जो मजदूरों की आवाज़ को लेकर और ये वैश्विक महामारी जो चल रही है, ये संक्रमण, और इस संक्रमण से प्रभावित केवल गरीब मजदूर हुआ है या फिर ऐसा मजदूर जो कहीं स्थायी नहीं है, तो उस अस्थायी मजदूर की जो समस्या है उसके समाधान के लिए अनशन पे बैठे हैं हमारे परवीन काशी जी, तो उनके समर्थन में हम आए हुए हैं और हम भी चाहते हैं, हम इनका पूरा समर्थन करते हैं, हम भी चाहते हैं, क्योंकि जो इसमें परेशानी हुई है वो केवल और केवल मजदूर को हुई है, जो प्रवासी मजदूर थे जो दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं या दूसरे राज्यों के थे जो दिल्ली में आ रहे हैं, केवल वही परेशान हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो परेशान नहीं है, और कुछ जो लिमिटेड फर्म है जो इस लॉकडाउन के चलते तनख्वाह देने को भी राजी है, लेकिन ये सब अधिकतर दिखावा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ सरकारें कह रही हैं कि मकान मालिक किराया नहीं लेंगे, खाने की सुविधाएं की गई हैं और मजदूरों को तनख्वाह दी जाएगी, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ये जो आदेश हुए हैं या जो भी इन्होंने रिक्वेस्ट करी है इन प्राइवेट सेक्टर वालों से, लेकिन ऐसा कहीं प्रैक्टिकली दिखाई नहीं दे रहा है।